बालाघाट के बारासिवनी रोड पर गर्रा के पास में ट्रक के नीचे आने से वन्य प्राणी चीतल की दर्दनाक मौत हो गई है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो वहीं चीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो ट्रक सहित चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी के मुताबिक अगर देखा जाए तो चीतल रोड पर आ गया था, तो वहीं सामने से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया है। घटना की सूचना वन अधिकारी बारासिवनी यशपाल मेहरा को दी गई है, तो वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली गई है। घर ये? हाँ। अच्छा, ये कहाँ से आया? इधर से पीछे से भागते हुए। कितने बजे की बात है? अभी जस्ट आधा घंटा पहले। फिर हुआ क्या? फिर आया और ट्रक वाले के ट्रक जा रहा था, उसके पीछे चक्के में घुस गया। तो फॉरेस्ट वाले नहीं आए क्या? इधर नहीं आए फॉरेस्ट वाले, सामने ये जंगल की तरफ से आई है। क्या हो रहा था, मतलब इधर से कैसे आ गई है? तो उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, 6-7 टुला, वो भागते भागते आई, ट्रक बीच में आ गया था, ट्रक में बीच में आ गई वो। कितने बजे घटना होगी? 15-20 मिनट पहले। हाँ, क्यों ये जानवर है क्या यहाँ पे? चीता लोग रहे अधिकतर यहाँ पर? नहीं, तो पहली बार आया है। हाँ, या इसके पहले भी कहीं देखे आस पास? नहीं, इससे पहले नहीं है। देखिए, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हमारा वन्य प्राणी यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा और किसी वाहन के चपेट में आने के कारण उसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और कुछ जानकारियां हमको अभी अपने सूत्रों से या यहाँ उपस्थित लोगों से लगी हुई हैं, उनसे प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपन हम जो है उस गाड़ी तक पहुँचें और उस पर कार्रवाई करें। सर, ये देखा जा रहा है कि कल भी एक घटना हुई थी और आज फिर एक घटना हो गई, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि चीतल यहाँ पे बहुत आसपास के। हाँ, ये बिल्कुल अपने लिए अच्छा विषय है कि चीतल तो बहुत है, लेकिन क्या है, चूंकि ये रोड जो है बहुत ही ज़्यादा चलने वाला रोड है, बालाघाट से सिवनी, बारासिवनी से बालाघाट और उसके बाद कटंगी से बालाघाट की कनेक्टिविटी है, और इसमें हर प्रकार के वाहन आते हैं, बसें भी आती हैं, ट्रक भी आते हैं, आम लोग भी आना जाना करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी लापरवाही की वजह से कह सकते हैं, या फिर चीतल के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा उसने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, इस वजह से ये घटना घटी।